एक-एक करके अब बाहर निकलो ना, बाहर निकलो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में मरवा लिया आपने अपनी, आपने अपनी मरवा लिया T20 सीरीज में, फेल दिए पकड़ के, बजा दिया, फेल दिया, ठोक दिया, मार दिया पकड़ के, ऑस्ट्रेलिया ने आपकी T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया आपको, आपकी इस सो कॉल्ड टैलेंट को, आपके सो कॉल्ड किंग को, आपके सो कॉल्ड जो है लिपस्टिक को पकड़ के ठोका लगा दिया, निकलो मेरे कंट्री के बाहर। ये कौन सी बदतमीजी वाली बैटिंग की आज आप लोगों ने, 58 पे एक आउट 117 जलील करके रख दिया, 11 ओवर में 117 रन बना लिए उन्होंने, 300 के रिकॉर्ड तो जिम्बाब्वे बना रही है मेरे भाई। आप लोगों से 300 क्या हुआ, हम बोल रहे 200 तो टच किया करो। हम समझ रहे थे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम है, सी टीम है, तो पता नहीं जेड टीम है, उसको मार मार के हम बुरा हाल कर देंगे, बॉलिंग में उसके उनके विकेटों के पर्चे उड़ा देंगे। ऑस्ट्रेलिया की एफ टीम, एफ जी टीम, एफ जी स्कूल सिस्टम की टीम ने हमें व्हाइट वॉश कर दिया है T20I के अंदर। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके भेजा है। 6 मैच हम खेलने गए थे, 4 हार के वापिस आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, और एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि हम इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। और शाहीन की जो दुर्गत बनी है अभी, शाहीन ने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया अभी स्टोइनिस ने, एक तो वो अपने मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं, जाहिर है खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एफ टीम, एफ जी टीम, एफ जी स्कूल सिस्टम की टीम ने हमें व्हाइट वॉश कर दिया है T20I के अंदर। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। भाई साहब, हम ये पाकिस्तान का बदला लेने का तरीका ये होता है, आप लोगों ने बड़े वाले प्लेयर जो है वो हमें नहीं खेलने, जाओ हम खेलते ही नहीं, जीत जाओ ले लो बस, कोई कंपटीशन नहीं देना हमने, ये छोटे मोटे बच्चों से हमने नहीं जीतना भाई। भाई एक दफा फिर से हम ऑल आउट हुए हैं T20I के अंदर। ये टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तब से मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना T20I के अंदर ऑल आउट होने वाली कौम है, हमारी बातें बहुत ज्यादा, हम लोग ना थोड़े ज्यादा आसमान से थोड़े ज्यादा ऊपर चले गए थे। एक टेस्ट मैच जो है स्पिनर्स की बेस पर जीत के, और फिर उसके बाद ODI में भी 2 मैचेस जीत के। IPL की ऑक्शन होने वाली है तो पाकिस्तान तो इतने रन कर ही नहीं रहा बोर्ड पे कि 170 डालें, 80 डालें, 200 डाले, तो कहीं ना कहीं आप चेस करने की कोशिश करो। चलो जितना मौका मिला ये भी तेज काम खींच के रखो, और अपना अपना आप केस स्ट्रांग करो कि अगर ये जो बोरी भर के पैसे लेने हैं तो काम चुक दो, तो काम चुक दिया उसने। 27 गेंदों पर 61, 225 का स्ट्राइक रेट है, 5 छक्के 5 चौके। और शाहीन की जो दुर्गत बनी है अभी, शाहीन ने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया अभी स्टोइनिस ने, एक तो वो अपने मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं, जाहिर है खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन आपको पता है कि अभी 10 टीमें हैं, मेगा ऑक्शन है, हर किसी ने फ्रेजर आपको चौके दे रहा है, जोश इंग्लिश आते के साथ आप पे चौके, कहां गई आपकी लेंथ और लाइन भाई, तुमने खोला तो ऐसे ही, स्टोइनिस जो है वो मार रहा है भाई शॉट के लिए, तुमने खोला तो ऐसे ऐसे मार दो, स्टोइनिस की पहली बॉल पे विकेट ले ली हारी सरोफ ने, उसने तो चौका करा दिया भाई। अब एक बात का है कि भाई नए लड़कों को चांस नहीं देते आप लोग, अबे भाई अगर दे रहे, आज तो प्रॉपर नई टीम थी, हसीबुल्ला ने क्या किया, साहिब ज़ादा फरहान ने क्या किया यार, इनके इनको लेकिन खड़ा भी तो यार ऑस्ट्रेलिया के सामने कर दिया, ये तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास क्या, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, और एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि हम इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। अब ये मोहसिन नकवी द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन कह रहा है, या मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर है, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल है एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, क्रिकेट से हट के मैं ये बात कर रहा हूँ, वो अगर ये बात कर रहा है कि मैं हम इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने को तैयार हैं, सो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन क्या गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है स्टेटमेंट के ऊपर, या सर BCCI के कंसर्न्स को एड्रेस करने को तैयार है, क्योंकि हम सबको पता है कि BCCI के कंसर्न्स एज सच है ही नहीं जो इंडियन गवर्नमेंट, हम समझ रहे थे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम है, सी टीम है, तो पता नहीं जेड टीम है, उसको मार मार के हम बुरा हाल कर देंगे, बॉलिंग में उसके उनके विकेटों के पर्चे उड़ा देंगे, ये आपके जो है वो टीम की परफॉर्मेंस रही है। आज के मैच में सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि रिजवान साहब ये मैच नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे, अब ये मुझे नहीं पता कि अब इसके लिए क्या बातें होंगी। हो सकता है जो बाबर आजम से जलते हैं वो ये बोलें कि जी बाबर आजम से रिजवान की बड़ी अच्छी दोस्ती है, रिजवान खुद बैठ के बाबर आजम को नहीं ड्रॉप किया, बाबर आजम के हाथ में तो सारा क्रिकेट बोर्ड है।